जब मैं पहली बार यहाँ आई थी तो मैं उलझन में थी कि मैं कहाँ हूँ और मैं यहाँ क्यों आई हूँ। जिस परिवार के लिए मैं काम करती थी वो मुझसे कहते थे कि मैं उनकी गुलाम हूँ। वो मुझे अपनी उम्र और नाम के बारे में झूठ बोलने के लिए कहा करते थे, इसलिए मैंने हमेशा ऐसा किया। लेकिन केंद्र में शिक्षकों ने मदद की। पहली चीज जो उन्होंने प्रिया को सिखाई वो ये कि कोई किसी का गुलाम नहीं होता। उन्होंने उसे सिखाया कि हर व्यक्ति में अद्वितीय गुण और लक्षण होते हैं और उसे खुद पर गर्व होना चाहिए। ये बहुत समय पहले की बात नहीं है जब वो खुशी के साथ कहा करती थी, मैं प्रिया हूँ, मैं 14 साल की बच्ची हूँ, मैं किसी की संपत्ति नहीं हूँ, मैं एक बच्ची होने के लिए स्वतंत्र हूँ। देखभाल करने वालों ने मुझसे पूछा कि मैं बड़ी होकर क्या बनना चाहती थी। मेरे पास एक विकल्प था। अब मैं जान गई हूँ कि अगर मैं स्कूल में कड़ी मेहनत करूँगी तो मैं एक डॉक्टर या शिक्षक बन सकती हूँ, या जो भी बनने का सपना मैं देखती हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि सभी बच्चे प्यार के हकदार हैं और सबके साथ एक समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म के हों। और उन्होंने मेरा जन्मदिन भी मनाया नाच गाने के साथ और फूलों की पंखड़ियों को फेंकते हुए। ये बहुत बढ़िया था। केंद्र की ये भी कोशिश थी कि प्रिया खुद की देखभाल करना सीखे। प्रिया ने सबसे पहले हर दिन अपने दांतों को ब्रश करना, अपने नाखूनों को काटना और धोना सीखा था। पहले तो मुझे पता ही नहीं था कि ये सब कैसे किया जाता है, लेकिन देखभाल करने वालों ने मुझे समझाया कि सवाल पूछना अच्छी बात है। अब मैं माहिर हो गई हूँ। और फिर उसने अपने बाल कटवाए। वर्षों बाद पहली बार ऐसा हुआ था। फिर प्रिया ने कुछ नए कपड़े और जूते लिए। देखभाल करने वालों ने उसे बताया कि उम्र बढ़ने पर शरीर में बदलाव आना एक बहुत सामान्य बात है, इसलिए जब वो बदलाव आए तो उसे कोई झिझक या शर्मिंदगी महसूस न हो। दिनचर्या होना उसके लिए एक नया अनुभव था। नियमित भोजन का मतलब था कि प्रिया को इस बात की चिंता नहीं थी कि वो अगली बार खाना कब खाएगी, और वो केवल शुरुआत थी। सुबह के व्यायाम के क्लास से शिक्षा तक और कला और संगीत से लेकर ध्यान तक मैं दिन भर हमेशा व्यस्त रहती थी। शुरुआत में ये मुश्किल था, लेकिन मैं जल्द ही चीजों से परिचित हो गई। अंत में साफ कपड़े, साफ दांत, साफ बाल और व्यस्त दिनचर्या के साथ प्रिया खुद को एक नए व्यक्ति की तरह महसूस करने लगी। मैं खुश थी। खुद के लिए इज्जत, स्वतंत्रता और नए गुण जो मुझे अपने आगे के जीवन में मेरी मदद करेंगे। जितना बेहतर प्रिया अपने बारे में महसूस करती थी, उतना ही ज्यादा वो और लोगों के साथ रहना चाहती थी। उसने अपने भविष्य के बारे में सोचना शुरू कर दिया और केंद्र से निकलने पर जीवन के लिए योजनाएं बनाना शुरू कर दी। प्रिया की तरह आप भी एक इंसान हैं और सम्मान पाने के लायक हैं। हर कोई होता है। अपने आसपास के लोगों के प्रति दयालु रहें, अपनी देखभाल करें और अपना ख्याल रखें। आप ये जाने कि आप किसी की संपत्ति नहीं है, आपको कोई गुलाम नहीं बना सकता है। कोई इंसान किसी दूसरे इंसान को गुलाम नहीं बना सकता है। आप जोर से हंस सकते हैं, खेल सकते हैं और आपके दोस्तों के साथ मस्ती कर सकते हैं। साथ ही अपने आसपास की दुनिया के बारे में उत्सुक हो सकते हैं। आपको अपने बचपन का आनंद लेना चाहिए। याद रखिए, ऐसे भी लोग हैं जो आपकी एवं आपकी भलाई की परवाह करते हैं।